असलामु वाईकुम मराठी आंतर भारती इयत्ता दहावी पाठ तेरा मॉरिशियस सागर दर्यातले साखर बेट लेखक आहेत दत्ता नायक प्रस्तुत पाठात लेखकाने बहुरंगी निसर्ग सौंदर्य लाभलेल्या मॉरिशियस बेटाचे वर्णन केले आहे मॉरिशियस देशातली घरे व वास्तुशिल्प हि वैशिष्टपूर्ण है लोक श्रम प्रतिष्ठे चे वर्णन ही प्रस्तुत प्रवास वर्णन पर पाठात वाचा मिलते यहाँ पर जो मुसनिफ है उन्होंने मॉरीशियस की रंगीन खूबसूरती के बारे में बताया है मॉरीशियस देश की यानी कि मॉरीशियस मुल्क की घर और फंतामीर की खासियत बताई है यहाँ के लोगों ने कड़ी मेहनत से इसको क्या किया है बनाया है यह प्रवास वर्णन पर यानी कि सफरनामा पर सबक है तो चलो बच्चों हम इस सफरनामे को समझते हैं और मॉरिशस की शेर करते हैं भारतीय महासागरा अथंग दरियात जिथे नैत्य मानसून से ढक जन्माला यहां पर अथंग अथांग यानी कि बहुत बड़ा अथांग प्रचंड असीम ये उसके समानार्थी शब्द है भारतीय महासागरा अथांग दरिया जिथे नैत्य मानसून से ढग जन्माला भारत के महासागर में जो कि बहुत बड़ा दरिया यानी समंदर है जहाँ पर नैरुत्यैत्य यानी कि मगरीब और जुनूब की सिमत को नैरुत्य कहते हैं वहाँ पर बारिश के बादल क्या होते हैं पैदा होते हैं वहाँ पर क्या है एक मीठा जजीरा है तिथे सागर एक साखर बेट आहे हजारों वर्ष आधी महासागरा गर्भात भूकंपा विस्फोट बेट पानियावर तरारू नाले हजारों साल पहले महासागर के अंदर जो जलजला धमाका हुआ था पानी में जो जलजला आया था उसके वजह से यह जजीरा ऊपर आया सुमारे से वर्षा पूर्वी मंजे सोलाव्या शतका पर्यत मानवाचे पाउल या बेटावर पड़ले न होते यानी 500 सौ साल पहले सोलावे शतक अंदर सोलावी सदी में इंसान मे पर पहुंचा नहीं था इस पर किसी भी की पेर नहीं पडे थे पोर्तुगीज नाविक वास्को दगामा खाली खलाशांचा तांडा आफ्रिका खंडाला वरसा घालून इशान्याच्या दिशेने भारताच्या शोधा शोधासाठी वडला तेव्हा हे बेट त्यांना दिसले, जो पोर्तुगालन मल्ला था वास्को गामा इसके नेतृत्व में यानी इसके लीडरशिप में खलाशंसा तांडा यानी उसका जो बटालियन था वो जो वो, टीम को लेकर कहा जा रहा था अफ्रीका बर आजम को चक्कर लगा रहा था ईशान्य क्या दिशा ने यानी ईशान्य यानी क्या शुमाल और मशरकी सिमत को ईशान्य कहते हैं तो वो किस किसको ढूंढ रहा था तो भारत के खोज में वो वहां से चक्कर लगा रहा था तब उसे इस बेट यानी इस जजीरे को देखा पोर्तज या बेटावर थमले ना पुर्तगाल जो थे वो इस जजीरे पर रुके नहीं थे येताना त्यांची जहाजे या बेटावर थांबत लेकिन वो पोर्तुगाल से गोवा से आते वक्त उनकी जो जहाजे थी यानी उनकी जो नाव थी वो क्या करती थी यहाँ पर ठहराव किया करती थी सन सोला सोलहशे अड़तीस मधे दस लोग इतना पहुंचले सन यानी कि 1638 के अंदर वो 10 लोग यहाँ पर पहुंचे अपला राजपुत्र मॉरिस दनासाव नासाव नावा वरुण तैनी यह बेटा चे नाम मॉरिशियस असे ठेवले उनका जो राजपुत्र था उसका नाम था मॉरिस दनासाव उसके नाम पर उन्होंने इस जजीरे का नाम मॉरिशियस ऐसा रखे दस लोकांनी या बेटावर उसाची लागवड के लिए दस लोग जो थे उन्होंने इस जजीरे पर गन्ने की खेती की है फ्रेंच लक्ष्य या बेटाकड़े गेले उसके बाद जो फ्रेंच लोग थे उनकी नजर इस जजीरे पर गई उन्होंने डनसा कड़न या बेटाचा कब्जा घेतला उन्होंने डो से इस जजीरे को हासिल कर लिया यानी कि उन्होंने इस पर भी कब्जा ले लिया फ्रेंचन ने उसाची लागव वाडवली जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने गन्ने की जो खेती थी उसको बढ़ाया मॉरिशियस मध्य साखर चे कारखाने काढ़ले ले